नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को उनकी सबसे पसंदीदा चीज चढ़ाएं तो इससे माँ दुर्गा की कृपा हम पर बरसती है। माँ दुर्गा खुश होकर अपने भक्तों को सभी प्रकार की सुख समृद्धि देती हैं, उनकी समस्याओं को दूर करती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा को कौन सी चीज़ें चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। दोस्तों, यदि लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है, अधूरी रह गई है, तो उसकी पूर्ति के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा को मोगरे का गजरा चढ़ाएँ। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। यदि आप चाहते हैं समाज में मान सम्मान हो तो आप माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। लौंग के जोड़े के साथ साथ अगर आप पान भी चढ़ाएंगे तो समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा जो लोग जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी और कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं, वो माँ दुर्गा के मंदिर में अखरोट का प्रसाद चढ़ाएं। अखरोट का भोग लगाने से अपार यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मनोकामना की पूर्ति के लिए माता के मंदिर में अनार का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार के भोग लगाने से आप माँ दुर्गा को खुश करके अपनी पूरी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।